कभी भी नहीं खरी, बताओ तो हमारा डैनी घास खा रहा है, इसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए बस। ये भैंस है मोटी, छुप वीडियो कॉल कर रही है, मेरे को लगा ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग कर रही है। पीछे चढ़ रही है, कम इनकी हड्डियाँ मम्मी भूल गई आज घर पे। और सरप्राइज हम आ गए अपने होटल पे। हाँ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई, अपन जा रहे हैं बहुत दिनों बाद गांव। और आपने बहुत दिनों बाद देखे व्लॉग्स में भी तुम देखोगे कि गांव जा रहा हूं मैं, कई दिन हो गए मैं गांव गया नहीं। उसका रीज़न भाई गर्मी बहुत तगड़ी है, गाड़ी में मैं इतने दिनों बाद बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पर क्योंकि गर्मी खतरनाक है। मैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं। रहे थे देखो एक क्या चीज़ दिखा रहा हूँ तुमको, किस पर नज़र पड़ी मेरी, मॉम द क्वीन ऑफ एवरी होम, सही लिखा है। मम्मी इसका मतलब बताओ, मॉम द क्वीन ऑफ एवरी होम, मॉम द क्वीन ऑफ एवरी होम। इस फाइनली अब अपन आ गए हैं गांव, और गांव आने का रीज़न आज के बहुत दिन हो गए थे, डैनी लूसी से मैं मिला नहीं था भाई, गार्डन पे आया नहीं था मैं, तो उनको संभालने भी आए, उनसे मिलने भी आए हूँ, और एक दो प्रोग्राम है उनमें भी आए हैं। मम्मी देखो फुटेज कोई नहीं खाता है। मम्मी क्या गांव क्यों आए आज, दो जगह दिनों बाद गांव आ रहा हूँ। हरियाली हरियाली इतनी शानदार लग रही है, देखो वो भी कितनी जो लकीर है ना, ये भी बहुत गजब लग रही है, हरा ही हरा पूरा हमारा गांव हरा भरा हो रहा है भाई। सामने पहाड़, यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे ट्रैक्टर, ये हरियाली देखो कितनी शानदार लग रही है। और अब तो मम्मी भी आ गई ऊपर, अब मम्मी से पूछता हूँ मिली है शांति मेरे को यहाँ, कि मेरे को ब्लॉग शूट करने क्यों नहीं देते अभी है। मम्मी बताओ बताओ क्या व्लॉग शूट करने क्यों नहीं देते। तेरे पापा ने पूछ, अबे बताओ तो, बोल दिया ना पसंद नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है पसंद, मर्जी बताओ, देख अभी भी नहीं खरी, बताओ तो छूटो। अच्छा ओ भाई मार रही है, देखो शूट नहीं करने देते लोग, पता नहीं, बताओ तो क्यों नहीं पसंद तो नहीं। Why so? Okay guys, आनंद लेते हैं ग्रीनरी का और माहौल का, फिर आपको मिलाऊंगा थोड़ी देर में डैनी लूसी से। ओके सो गाइज, फाइनली अब सारे प्रोग्राम वगैरह अटेंड करके, दो प्रोग्राम थे, आ गए हैं हम हमारे पापा के ऑफिस, और भगवान ने भी हमारी सुन ली, मौसम इतना प्यारा कर दिया देखो। ब्लॉगर इन द टाउन, ओ वीडियो कॉल कर रही है, मेरे को लगा ब्लॉगिंग करनी है, मम्मी ब्लॉगिंग कर रही है, और हमसे तो इतना रूडली बात करती है, और अपनी बेटी से हंस हंस के देख रहे हो जमाना गाइस। भाई यहाँ हमने सब्जियों का, ओ यार ये बार बार मैं बीच में आ रहा भाई, अब तो मैंने ना चप्पल पहनना स्टार्ट कर दिया, पहले मैं जूते पहनता था, अब मैं बाहर भी जाता हूँ तो चप्पल ही पहनता हूँ। है मम्मी क्या कर रही थी अभी आप, क्या सब्जी जिस गाय थी वो खराब हो गई, कहाँ पे टमाटर पालक भिंडी भाई सब्जियाँ उगाई थी वो ना अब खराब हो गई बारिश की वजह से, जो ये जहाँ खाली खाली दिख रहा है ना, इस एरिया में हमने सब्जियाँ उगाई थी, और जो ये सब उग रहा है ये मम्मी ये सब के है, या बाजरा हाँ। और या मम्मी को भी नहीं पता भाई, सारा मम्मी सारा बाजरा है भाई, वो सारा इधर से सब बाजरा, ये बाजरा, ये बाजरा, बस ये जो एरिया है ना इधर हमने सब्जियाँ उगाई थी, पर सब्जियाँ गल गई बारिश की वजह से। टमाटर उगाए थे, टमाटर पनीर के, जिसको भी टमाटर खाना है टमाटर, सॉरी पनीर खानी है पनीर अवॉइड करो, और टमाटर खाओ टमाटर, रही से भी खानी है पर टमाटर नहीं खाओ भाई टमाटर।
भाई खा मत जाना। सो गाइस फाइनली अब निकल रहे हैं अपन अपने गार्डन पे, वहाँ तुम डैनी लूसी से मिलाऊंगा तुमको बढ़िया। डैनी लूसी भी ओए बाय बोल दो तुम भी। डैनी लूसी के साथ बहुत दिनों में मिल रहा हूँ भाई, और वो तो इतना एक्साइटेड हो जाएंगे ना, गजब देखना तुम, भयंकर वाला। आ जाते हैं मम्मी पापा, फिर चलेंगे अपन डैनी लूसी से मिलने। ओके मिलता हूँ गार्डन में जाके, तब तक खेलिए, बाय बाय। गाइस फाइनली आ गए गार्डन पे और लूसी हमारा स्वागत कर रही है। हेलो लूसी, ये बतख देखो। अच्छा तीन, अच्छा दो ही है क्या? एक बतख मर गई थी, अब याद आया मेरे। लूसी डैनी तो आलसी नंबर वन है, सो नहीं आया होगा। आ जाओ बस, शिकायत आएगी कितने दिनों बाद क्यों आए हो तुम। मेरी माँ जिनकी हड्डी भूल गई, तो उसके बिहाफ में इनको आज बिस्किट खाने पड़ेंगे। देखो वो कैसे पीछे चढ़ रही है, कम इनकी हड्डियाँ मम्मी भूल गई आज घर पे, वरना कभी भी गार्डन से हम आते हैं ना तो इनको ही पता रहता है कि आज आ रहे हैं और हड्डी लेके आएंगे। ले कम लूसी, ओ ये हमारे डैनी का, एक लूसी को दे दिया एक डैनी को, नमकीन भी दे रही है प्यार। हम पे इतना प्यार नहीं दिखाती पर कुत्तों पे दिखा रही है। हैं ये डेनोवेट हमारा डैनी आ गया, वो डैनी भी आ गया भाई। इसको जामुन आ गए, जामुन के पेड़ के तो सब एक्साइटेड हो रहे हैं। डैनी कम कम, गिर गए। डैनी का भी नाश्ता हो गया। हाँ जामुन, इसमें तो बच्चे भी हैं चिड़िया के। जामुन 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 भाई, जामुन क्या, जामुन तोड़ रहा हूँ तब तक के लिए। बाय 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 बाय। कम भाई, इतने सारे खरगोश हो गए, कितने दिनों बाद आ रहा हूँ, तो ये तो इनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। वाह यार जैनी भाई ये तो बहुत हो गए। मैंने फर्स्ट व्लॉग जो मेरा शूट किया था ना, यहीं खड़ा था मैं, ऐसे देख रहा था, आपने देखा हो तो है ना। काफ़ी हो गए परे, अभी हम मिट्टी डलवा दी, क्योंकि ये खोद खोद के सारी बाहर फेंक देते, तो हमने ये डलवाई ली। डैनी को लाइव कैप्चर कर लिया। मम्मी फोटो खींच रही है, खिंचवा रही है, देखो सी। ये देखो हमारा डैनी घास खा रहा है, इसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए बस। ये भैंस है मोटी, छोटी भैंस डना लूसी भी खा रही है घास तो हमारी। यार यहाँ सांप का भी डर है, देखो करुंदे दिखाता हूँ तुमको। करुंदे देखे तुमने कभी? नहीं देखे ना, बेट ये लो टेस्ट करके बताता हूँ कैसे होते हैं, ठीक है। कट्टे नींबू खाएं, ये नींबू रे भाई, नींबू के फूल आ रहे हैं अभी, खाने वाले हैं। कितने सारे तोड़ के लेके गए थे पहले, अपने ब्लॉग में देखा था ना, उस टाइम बहुत सारे नींबू तोड़ के लेके गए थे। और क्या क्या हो रहा है, पता है किसका पेड़ है, मेरे को भी नहीं पता। यहाँ सांप वगैरह आ सकता है। इतने दिनों बाद यहाँ आ रहा हूँ ना भाई, इतना ग्रीनरी लग रहा है ना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई है इस चक्कर से, और मैंने जामुन भी तोड़ दिए। खा के टेस्ट करके बताता हूँ कैसा टेस्ट है। खट्टा आ तो सब कुछ खट्टा ही खट्टा आ रहा है। हाँ क्या है ये, कदम का पेड़ है भाई, इसमें भी कुछ होता है। ये भी खा के देखेगा ये क्या है। सो गाइस हम आ गए हैं अपने होटल पे। हाँ गाड़ी करते हैं लॉक। अबे क्या कर रहा हूँ,
इसका ये ना रिमोट कभी कभी काम नहीं करता, पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं। गाइस घर पे आ गए फाइनली, रात थक गया यार, 11:30 हो रहे हैं। आज दिन में होटल पे गए थे अपने, वहाँ टाइम लग गया ज़्यादा, कागजी वगैरह इन सब से बातें वगैरह करने लगे। कल इस व्लॉग को अपन एंड नहीं कर पाए थे यार, क्योंकि कल रात को इतना थक गया था सुबह से यार, कितना कंटिन्यू पापा के साथ प्रोग्राम में जाना और इतनी गर्मी में भाई कोई छोटा मोटा काम नहीं। और मेरा तो कल का काम था, और जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं उनका तो डेली का काम रहता है यार, बहुत टफ काम है भाई, वेरी टफ। सो भाई करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लोकेलिटी से अगर ब्लॉग्स देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ अपने आसपास के लोगों को।